राहुल सूद साहब बैठे हैं हमारे साथ। एक नाट्य संस्था आप चलाते हैं जहां पर आप लोगों को एक्टिंग सिखाते हैं। मैं बहुत सारे नाम ऐसे सोचता हूं जब मैं फहरिस्त में देखता हूं जो रंगमंच से बॉलीवुड में आए हैं। ओमपुरी है, नसुद्दीन शाह है, हमारे यहाँ से इरफान है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। उन्होंने अपने आप को अभी भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो जड़ों से जुड़ के और वहाँ पहुँचे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में रंगमंच की आखिरी दौड़ लोगों की बॉलीवुड ही होती? एक्चुअली आपने अभी सुना होगा कि जितनी भी जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि पैसे की कमी। कि एक कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होते। तो एक रंगकर्मी की जिंदगी भी वही होती है, चाहे वो एनएसडी से पास आउट हो, चाहे वो किसी भी थिएटर के फॉर्म से पास आउट हो। अब मेरा एक सिस्टम में भी क्या है, थोड़ा सा फ्लॉ लगता है मुझे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन जो है बहुत टफ है। उसके लिए आपको काफ़ी प्लेस पहले तो करने पड़ते हैं, उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी उसको सेलेक्ट करती है। उसके बाद मेरी चेयरमैन जो एनएसडी के हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक स्टूडेंट पे 20 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल, उसमें एक स्टूडेंट पे लगभग 40 से 50 लाख रुपए खर्च होते हैं 3 सालों में। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बेसिकली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया गया था थिएटर को जिंदा रखने के लिए। अब वो 3 साल बाद जब पास आउट होते हैं तो अगर उनके पास पैसा मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि थिएटर में ओवरऑल हम अगर देखें तो पैसा जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है सिनेमा। और आजकल के जो बच्चे हैं, जो मुझे लगता है, जो मैं भी जैसे एक्टिंग स्कूल रन कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि वो गूगल की दुनिया हो गई है कि हर आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि मैं आज थोड़ा सा कुछ करूं और मेरे को ये मंजिल हासिल हो जाए। मैं उनको यही चीज़ बोलता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको एक सिस्टम बना हुआ है, जब तक आप उसके थ्रू नहीं गुजरेंगे तब तक आप उस सक्सेस अगर मिल भी जाएगी तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब आपने जो सवाल पूछा वो ये पूछा कि सब लोग वहाँ जाते हैं, ये बिल्कुल सच बात है। आज मेरे ख्याल से जितने भी हम बच्चे यहाँ पे भी आते हैं, अब जितने भी थिएटर वर्कशॉप्स में जाते हैं, उनका अल्टीमेट एम, आपकी एक्टिंग स्कूल में भी आते होंगे, उनका अल्टीमेट एम बिल्कुल वही होता होगा, बिल्कुल है ना। तो ये अल्टीमेट एम वही है। उसका कारण भी यही है, क्योंकि आज राज बब्बर साहब का भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। उनको नादिरा जी ने मना कर दिया था कि तुम बॉम्बे मत जाओ, लेकिन वो गए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनका एक इंसिडेंस मुझे याद है कि वो इतने थक गए थे स्ट्रगल करके कि जमीन पे सो रहे थे और बारिश आ गई, वो पानी में ईंट सर रख के नीचे सो रहे थे और पानी ने उनको यहाँ तक भर लिया। जब उनकी आँख खुली तो पानी में यहाँ तक थे। और आज वही राज बब्बर साहब हैं जो हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा, ये सब एक्टर्स नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं, बट वही है कि थिएटर को जिंदा कैसे रखा जाए, सबसे डिफिकल्ट सवाल यही है। और मुझे जो लगता है वो है पैसे की।